जबरदस्ती पहनाया मम्मी को। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम तैयार कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्लर नहीं है तो हम खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे देवरानी लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही अपनी देवरानी के लिए कौन सी ज्वेलरी लेकर आए। सो गाइस, अभी मैं उनकी भाभी को रेडी करके और मैं आधी रेडी हुई हूँ। अभी सिर्फ मैंने साड़ी पहना और मैंने थोड़ा नेपाली स्टाइल में सब कुछ पहना हुआ है। अब मैं पहुँच चुकी हूँ दूल्हे के पास और मैं आपको दूल्हे की आउटफिट दिखा रही हूँ। दूल्हा कितना एक्साइटेड है मैं वो भी दिखा रही हूँ। अपनी शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड है ये। ये देखो कितने एक्साइटेड हो, बताओ। मैं बहुत एक्साइटेड। ये पता क्या कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से मुझे फोन कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी रेडी करो, मुझे सुबह से बोली जा रहे हैं। और इतना एक्साइटेड दूल्हा, इतना एक्साइटेड दूल्हा। और वो मेरे को बोल रहा है पंडित जी को थोड़ा सा कान पे बोल देना, जल्दी से जल्दी मंदिर पड़े और जल्दी से जल्दी फ्री करे। मेरा बैठ बैठ के हालत खराब हुआ पड़ा है। जितनी जल्दी पंडित फ्री करेगा उतनी जल्दी हम आएंगे, क्योंकि कल फिर एक फंक्शन है, उसके लिए भी उसने उठना है। 4 दिन हो गए बेचारा सोया नहीं है। तो इनकी है ये आउटफिट, ये है शूज, ये है वॉच, ये गॉगल और परफ्यूम, ये देखो नेपाली स्टाइल का ये कैप। ये तो सब पहनेंगे ना फिर मैं आपको ज़्यादा दिखा पाऊँगी। और ये है इनका आउटफिट गाइस, ये ना नेपाली क्या बोलते हैं इसको, नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस, क्या नाम कहते हैं, दौरा सलवार। दौरा सलवार, तो ये है दूल्हे का दौरा सलवार जो कि अच्छा, ये इसके ऊपर का कोट है, ये इसके ऊपर का कोट है। जब वो ये पहनेंगे तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। और ये कितना हैंडसम लगने वाला है, आज देखते हैं दूल्हा ज्यादा हैंडसम होगा या दुल्हन, क्योंकि हम भी जा रहे हैं बराती लेके क्योंकि देवर लगते हैं ना मेरे, तो बराती में हम भाभियां तो जाएंगे ना पहले। अभी मैं रेडी हुई नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इनका, जब ये रेडी होंगे तो हम निकलेंगे यहाँ से। और इतनी जल्दी है इनको जाने के लिए कि कहने की कोई हद नहीं है। और जल्दी है ना, जल्दी जल्दी खत्म होगा सब कुछ। अच्छा कैसे लग रही हूँ मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती पहनाया मम्मी ने, ये मैंने कभी नहीं पहना था। और ये जैसे जैसे वैसे ही पहनना पड़ेगा ना, यहाँ पे सबने ऐसे पहना है तो फिर हम भी ऐसे ही पहनेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बरात लेके। मम्मी लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनकी सहेली ने उनको रोक लिया, उनके फ्रेंड ने रोक लिया, वो कहते मेरे साथ रहना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि जो माँ होती है ना वो बेटे की शादी नहीं देखते हैं, पूरी शादी कह रहे हैं नहीं देखते। जब पता नहीं वो जो मिलनियाँ होती है ना उस पर जाएंगे मम्मियाँ, फिर उस पर आएंगे हमारी मम्मी तैयार होके। तो मम्मी अपनी फ्रेंड के पास रुक रहे हैं। क्यों मम्मी, जाना चाहते हो बरात लेके या फ्रेंड के पास रुकना चाहते हो? यहीं रुकना चाहती हूँ। हाँ चलो रुक जाओ फिर आप भाई। अब हम जा रहे हैं बरात लेके शादी वाले घर पे। तो ये भाभी तैयार कर रहे हैं अपनी देवर को, इन्होंने पहन लिए कपड़े। पापा भी रेडी हैं, भाई भी रेडी हैं। रेडी। तो ये भाभी सुरमा लगा रहे हैं अभी। यहाँ पे हो रही है अभी फैमिली फोटोग्राफ। कौन सा काट रहा है नहीं हो रहा है फुकाउनी गरा नहीं आ फुकाउन फेर फुकाउनी गरा रहा बाती फेर हैन सुकी आ जा हां सुकी तो आ हुन्छ के हजुर यसरी सुपर हो जा हजुर नभए त्यो गलेकी छ गलेकी छ त म पछाडी टट 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 साइज माला लगाओ माला ना है सुंदर वाला होय जा देखो तेरा मोल लगा सर। बारात है वो लेके जा रहे हैं और सारी जो बराती है वो बस में जा रहे हैं, बट मैं नहीं जा सकती और बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में वेडिंग रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये जो दूल्हे के भाई हैं वो इधर कहीं छुप के बैठे हैं। ये देखो कैसा लग रहा है आज आप बहू लेके आने वाले हो? एक्साइटेड है बट गर्मी की वजह से पूरा रोस्ट भी हो गया, झुलस गया पूरा। सही बात है। आप क्या लगे आंटी? मैं तो मामी लगी। मामी है ना? मामी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं भांजी की बहू लेने जा रहे हैं। हाँ।
खुशी खुशी में, गर्मी में कोई विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन बेटा तो एसी वाला गाड़ी लेके घूम रहा है, उसी में बैठे हैं हम तो हम तो एसी में ही है बच गए हम ना थोड़ा सा, हम तो बच गए, अभी तो जान आ रही है जो दूल्हा है वो इस गाड़ी में है, ये देखिए वो आगे आगे है ना उसकी गाड़ी, क्योंकि एक्साइटेड है दुल्हन से मिलने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, वो कल से एक्साइटेड थे मुझे तो लग रहा है वो सोया भी नहीं है रात को, है ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, फोन पे लग रहे होंगे। ये बात तो मैंने भी बोला था कि मतलब इतनी जल्दी क्या है दुल्हन लेके आने की, थोड़ा सबर कर लो, बट ना वो बहुत ही एक्साइटेड है, चलो होना भी चाहिए, खुशी का टाइम है। पहुंच चुके हैं पैलेस में जहाँ पे शादी है, जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर सो गाइस ये दुल्हन जो है वो एंट्री करा रहे हैं अपने हस्बैंड की, सपने सुबह शाम है तू है सही। सो गाइस मैं अभी हम दुल्हन लेके घर नहीं जा रहे, मैं पहले निकल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं निकल रही हूँ घर के लिए। सो गाइस कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ा रेस्ट करके मैं निकल गई हूँ अपने घर, हमारा घर ना यहाँ से बहुत पास में है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं सारे अपने घर पे, क्योंकि यहाँ की जो शादी होती है ना वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चलती रहेगी मंडप में, वो समझे समझे ना कमी नहीं होएगा, मिल नहीं होएगी, फिर वो दूल्हा दुल्हन फिर मेन टेबल लगेंगे, खाना खाएंगे, फिर उसको घर ले जाएंगे, विदाई करेंगे, तभी रात हो जाएगा, अभी तो तभी हम घूमने निकल पड़े हैं ना, अपना घर देखने निकले हैं कि कैसा है अपना घर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर, तो हमने सोचा कि क्योंकि पास पास में है ना, तो हमने सोचा जितनी देर में ये शादी खत्म करके घर आ जाएंगे ना, उतनी देर में हम सारा घूम के खत्म कर लेंगे, तो इसीलिए हम निकल गए हैं। सो गाइस ये है हमारे घर का रास्ता जहाँ पे जाता है, ये देखिए ये हमारे घर का रूट है, बस हमारा घर आने ही वाला है, आने ही वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए। सो गाइस ये है हमारा घर, इसके बहुत सारा रेनोवेट होने वाला है। सो गाइस हम अब अपने घर से निकल चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि घर पे अगर दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ और हम वहाँ पे नहीं हुए ना, तो वो जो मम्मी की फ्रेंड है ना उनको बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए जब तक वो वापस आएंगे तब तक हम सारा काम ख़त्म करने की ट्राई करें। सो गाइस जो दूल्हा दुल्हन है वो आ चुके हैं और उनकी स्वागत के लिए हम खड़े हैं सारे, तो अब कैसे एंट्री होती है वो सब दिखाने वाली हूँ मैं, कि मतलब दुल्हन को कैसे गृह प्रवेश के बंधन गृह प्रवेश ही बंधन गृह प्रवेश के लिए, ये देखो बहन आ गई, ये देखो था। तो ये हमारे आ चुके हैं दूल्हा, ओ आंटी दुल्हन की, दूल्हा की माँ का देखना ब्लैक हो गई।
खातिर कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। आप सबको ये वीडियो पसंद आए, आपने मुर्गी की आवाज़ सुन ली होगी, आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो और भी इंटरेस्टिंग है, तो बाय बाय।